नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग का क्रोशेट श्रद्धा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही प्यारा थाल पोस्ट डिजाइन लेकर के आए हैं। बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, और बनाने में भी आसान है, इसे बिगनर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से नॉट लगा लेंगे, नॉट लगा कर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और फर्स्ट वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 1 चेन लेंगे और रिंग में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 10 सिंगल क्रोशिया हो गया। और फर्स्ट वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया हो गया, 1 चेन गैप के लिए। और नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से यह कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 डबल क्रोशिया हो गया 1 चेन लेते हुए, और इसको 1 2 या थर्ड वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 चेन लेकर के ऐसे में इस तरह से पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 6 टाइम इस तरह से लूप लेंगे और इनको इस तरह से पफ बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया वाला चेन में डालते हुए पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और नेक्स्ट इस डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में डालते हुए पफ बनाएंगे। इसी तरह से पूरे रो में रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। बना के दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे, 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। कहीं से भी किसी भी पफ के ऊपर से इसको ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से लेते हुए इस तरह से फंदा यहाँ पर इस पफ के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे।
एक और ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, सेम गैप में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, टू चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट पफ के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं से नेक्स्ट पफ के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर नेक्स्ट पफ के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब बैक साइड से फ्रेंड्स ये इस तरह से यह निकल जाएगा। तो पूरे रो में बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रो कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, पहले एक स्लिप स्टिच इसमें ज्वाइंट कर देंगे, 1 चेन लेंगे और सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद यहीं से पहला वाला डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, सेकेंड वाला में फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट इस गैप में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन लेंगे, सेम इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया और बना देंगे, 1 इस गैप में इस डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, सेकेंड वाला में डालते हुए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट इस गैप में 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन लेंगे, सेम गैप में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस ट्रिपल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, 1 यहाँ पर बना देंगे इस गैप में, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, सेम गैप में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इस गैप को स्किप कर देंगे, इसमें 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन लेंगे, सेम गैप में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इसमें डालते हुए फ्रंट पोस्ट बना देंगे, 1 इस गैप में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे,
टू चेन लेंगे, सेम गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे और एक इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। कुछ इस तरह से पैटर्न बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। और इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, यहीं से इस डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इसमें डालते हुए फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये जो टू चेन का गैप लिए थे इसमें वन डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर टू चेन लेंगे, सेम गैप में वन डबल क्रोशिया बना देंगे, इस डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, यहाँ पर डालते हुए सेकेंड वाला डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इस टू चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, एक इस ट्रिपल क्रोशिया को एक ट्रिपल उस क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट इस थ्री चेन के गैप में वन डबल क्रोशिया बना देंगे, वन टू थ्री चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, इस ट्रिपल क्रोशिया में एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट इस टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इस टू चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में एक ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना देंगे और इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, कुछ है इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो पूरे रूम में इसी तरह से बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फिर इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर स्लिप स्टिच इस सिंगल क्रोशिया में बना देंगे, वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ वन टू थ्री फोर चेन लेंगे और सेम गैप में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो टू ट्रिपल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। टू चेन लेंगे और टू ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, टू थ्री टाइम इस तरह से लपेटेंगे, इसमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, एक बार और बना देंगे अब यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, थ्री टाइम इस तरह से लपेटेंगे और इसी में डबल ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। टू चेन लेंगे, सेम गैप में ट्रिपल क्रोशिया, टू ट्रिपल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। टू चेन लेंगे और टू ट्रिपल क्रोशिया,
यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे यहीं से। नेक्स्ट इस गैप में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। टू ट्रिपल क्रोशिया और सॉरी फ्रेंड्स इसमें बनेगा टू ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन, टू ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन लेकर के टू डबल ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री चेन लेंगे, टू चेन लेकर के टू ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन, टू ट्रिपल क्रोशिया। इस पफ में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर यहीं से ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे रो में रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर इस पफ में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे यहीं से, इसमें डालते हुए इस तरह से डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे, ये फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट इस टू चेन के गैप में वन डबल क्रोशिया, टू चेन, सेम गैप में वन डबल क्रोशिया, वन इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इस डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इस ट्रिपल क्रोशिया के यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, इसको स्किप कर देंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इस थ्री चेन के गैप में वन डबल क्रोशिया, थ्री चेन, सेम गैप में वन डबल क्रोशिया, इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, इसको स्किप कर देंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, इसको स्किप कर देंगे, इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे, यहाँ पर टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, टू चेन, सेम गैप में डबल क्रोशिया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे यहीं से,
इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, टू चेन सेम गैप में डबल क्रोशिया, इस ट्रिपल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर इस टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, टू चेन सेम गैप में डबल क्रोशिया, इस गैप में फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर डबल क्रोशिया, थ्री चेन के गैप में, तो वन टू थ्री चेन सेम गैप में डबल क्रोशिया, इसमें फ्रंट पोस्ट, इस टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, टू चेन लेंगे सेम गैप में डबल क्रोशिया, इस ट्रिपल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक इस टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, टू चेन लेंगे सेम गैप में एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, और नेक्स्ट इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच, इसमें फ्रंट पोस्ट, तो कुछ है इस तरह से यह पैटर्न बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। तो पूरे रूम में बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे, वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कलर लगाएंगे। यहाँ जो बीच वाला थ्री चेन वाला जो गैप है फ्रेंड्स, यही से इसमें क्रोशिया डाल के ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेन लेंगे। नेक्स्ट ये थ्री चेन का जो गैप है इसी में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेन लेंगे। यहाँ इस तरह से डालेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेन लेंगे। इसी तरह से पूरे रो में कंप्लीट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फिर इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसमें एक स्लिप स्टिच, टोटल यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन या टेन पैटर्न बनकर तैयार होगा। यहाँ पर वन चेन लेंगे और यहीं पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। दो दो चेन,
दो ट्रिपल कुशिया, दो चेन, दो ट्रिपल कुशिया, दो चेन, यहाँ पर थ्री टाइम इस तरह से लपेटेंगे और डबल ट्रिपल कुशिया बनाएंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, दो डबल ट्रिपल क्रोशिया और बना देंगे, दो चेन लेंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, वन टू, दो चेन लेंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया और बना देंगे। यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसी में डालते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं से नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे, सेम इसी पैटर्न से पूरे रो में बनेगा फ्रेंड्स। तो बना के दिखाते हैं, देखिए फिर इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर स्लिप स्टिच इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहीं से इस ट्रिपल कुशिया में सेम पैटर्न से हम डबल कुशिया बनाएंगे, एक टू चेन के गैप में डबल कुशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में वन डबल कुशिया, एक इसमें डबल कुशिया, एक इस टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, यहीं पर टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, एक इस गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे, यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, सेम गैप में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इसमें डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इस टू चेन के गैप में डबल क्रोशिया, यहाँ पर टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इस गैप में डबल क्रोशिया, एक यहाँ डबल क्रोशिया, टू चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया, एक इस ट्रिपल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया, और यहाँ पर जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए थे फ्रेंड्स इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं से फिर दूसरा पैटर्न में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे डबल क्रोशिया के साथ, टू चेन, सेम गैप में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इस ट्रिपल क्रोशिया में, नेक्स्ट इस गैप में, फिर यहाँ पर टू चेन, सेम गैप में, फिर इस डबल ट्रिपल क्रोशिया में, फिर इस थ्री चेन के गैप में वन डबल क्रोशिया, थ्री चेन, सेम गैप में डबल क्रोशिया, फिर इसमें नेक्स्ट इसमें टू चेन लेंगे, यहाँ पर सेम गैप में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इस ट्रिपल क्रोशिया में, इस ट्रिपल क्रोशिया में बना देंगे और इसके बाद यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए थे फ्रेंड्स इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं से फिर नेक्स्ट इस ट्रिपल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट इस गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में बना देंगे, एक इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, पूरा बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पत्ती लगाएंगे, उसके लिए
ग्रीन कलर लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और सेम यहीं पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे, 3 टाइम लपेटेंगे यहाँ पर 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 4 टाइम लपेटेंगे, 2 3 4 टाइम लपेटेंगे, वन टू थ्री फोर टाइम यहाँ पर। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 2 3 4 टाइम लपेटेंगे, 2 3 4 टाइम इस तरह से 1 2 टाइम 2 चेन लेकर के इस तरह से 3 टाइम लपेटेंगे। वन टू चेन लेंगे और यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। टू टाइम 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। यहीं से इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट इस गैप में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन लेंगे, सेम गैप में 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट इसको स्किप कर देंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया। नेक्स्ट इसमें फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट इस गैप में डबल क्रोशिया, 3 चेन, सेम गैप में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इस गैप में फ्रंट पोस्ट, इस गैप में डबल क्रोशिया, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेकर के इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। कुछ इस तरह से लीफ बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। और इसको
के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ये कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर डिजाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।